सतगुरु के साधु निवास जी, प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। पाइया तेरे दारे आके रहमता हजारा, दिने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। सतगुरु माता जी, आप जी के दर पर आकर ही हमने ये रहमते पाई हैं। सच्चे पातशाह आप जी का हम हर पल शुक्राना करते हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। सत्संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने हमें इस ज्ञान के बारे में समझाया है। रब नू हाजिर नाजिर तकना इस तो वड्डा धर्म नहीं। जिसने इस परम पिता परमात्मा को पा लिया है, कहते हैं कि इससे बड़ा कोई और धर्म है ही नहीं। इस परम पिता परमात्मा को पाकर जो इस ज्ञान को जीता है, ज्ञान ले लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन ज्ञान पर जो जीता है सही मायनों में, उसी को ही ज्ञान की समझ आ रही होती है। और वही कहते हैं कि जीवन मुक्ति का हकदार भी होता है, जो हर जगह इस परम पिता परमात्मा को देखता है। ये अंग संग है, हर जगह है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, कोई भी जगह इससे खाली नहीं है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी भी इस बात पर ही रखने जा रही है कि जो इस परम पिता परमात्मा को अंग संग हर जगह देखता है, कहते हैं कि सही मायनों में वही ज्ञान का अधिकारी है। कहते हैं मशहूर सूफी संत उमर का स्वभाव था कि वे अपने पास आने वाले शिष्यों की परीक्षा लेते थे। वे ऐसे क्वेश्चन करते जिनके आंसर देने में सामने वाले को बहुत प्रॉब्लम होती थी, अड़चन होती थी, और फिर संत उमर उसका समाधान भी कर देते थे, उस क्वेश्चन का आंसर भी दे देते थे। इसके पीछे संत उमर का उद्देश्य परोपकार या लोकहित का संदेश ही देना होता था। कहते हैं कि एक बार संत उमर बगदाद स्थित अपने ठिकाने से जंगल की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक चरवाहा मिला। संत उमर जंगल की ओर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला जो बकरियां चरा रहा था। संत उमर ने उस चरवाहे की परीक्षा लेने की सोची। संत उमर चरवाहे के पास गए और कहा, अपनी सैकड़ों बकरियों में से एक छोटी बकरी मुझे दे दो। चरवाहे ने मालिक का हवाला देकर ऐसा करने से मना कर दिया। तब संत उमर ने कहा, इतनी बकरियां हैं, यदि एक बकरी कम हो जाएगी तो तुम्हारे मालिक को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन चरवाहा अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, मेरा मालिक तो यहाँ नहीं है, लेकिन यह जो सारी दुनिया का मालिक है, यह निरंकार है, यह तो मुझे हर जगह देख रहा है। यदि मैं एक भी बकरी आपको दूंगा तो भले ही मेरे मालिक को पता ना चले, लेकिन इस सारी दुनिया के मालिक निरंकार को तो पता चल ही जाएगा। तब मेरे ऊपर इस निरंकार के विश्वास का क्या होगा? इस निरंकार का मेरे ऊपर से बिल्कुल विश्वास खत्म हो जाएगा, इसलिए आप मुझे माफ करें। संत उमर बहुत खुश हो गए और संत उमर ने उस चरवाहे से कहा कि मैंने तो आपकी परीक्षा ली थी और आप अपनी परीक्षा में खरे उतरे हो, 100% खरे उतरे हो। संत उमर उस चरवाहे को लेकर उसके मालिक के पास पहुँचे। उन्होंने उसके चरवाहे के मालिक को सारी बात सुनाई। वह चरवाहा अपने मालिक का गुलाम था। संत उमर ने उसके मालिक से कहा, तुमने इस खुदा के बंदे को अपना गुलाम बनाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने इस चरवाहे को लाख कहने के बावजूद सैकड़ों बकरियों में से एक बकरी देने को कही, लेकिन इस ये एक भी बकरी इतना कहने पर भी देने को तैयार नहीं हुआ। इसकी ईमानदारी को सलाम करना चाहिए। संत उमर के समझाने के बाद मालिक ने
चरवाहे के मालिक ने चरवाहे को कई वर्षों की गुलामी के बाद उसे आज़ाद कर दिया और साथ में हजारों अशर्फियां भी उस चरवाहे को उपहार में दी। संत उमर के लिए भी यह बहुत बड़ा दिन था जब उनका परोपकार का लक्ष्य तो पूरा हुआ ही, साथ ही चरवाहे से उन्हें एक बहुत बड़ी शिक्षा भी हासिल हुई कि किस तरह वो अपने ज्ञान पर पूरे उतरे हैं। जिस तरह हमें ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान जब दिया जाता है तो हमें यही समझाया जाता है कि ये चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न भाई, कि ये परमपिता परमात्मा हर जगह हाजिर हजूर है, तो इसलिए इसको हमने हर जगह देखना है। कोई भी कर्म हमने ऐसा पूरा नहीं करना है, हर कर्म हमने अच्छा ही करना है। ये निरंकार ने हमें, सतगुरु ने हमें यही सिखाया है कि हमने शुभ कर्म करने हैं, बुरे कर्म नहीं करने हैं। ये परमपिता परमात्मा ये हमारे अंग संग है, हर जगह है, हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना। संपूर्ण अवतार वाणी में इस शब्द द्वारा शहनशाह जी हमें समझा भी रहे हैं, हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, ऐदर उदर चार चुफेरे तेरी सूरत तकदा हाँ। चंदन दे विच खुशबू तूवें, गंगा दे विच निर्मलता, फुल्लां विच सुहप्पण तूवें, कलियां दे विच कोमलता, सूझा दे विच सोझे तूवें, तू कला तू कौशलता, सतगुर सच्चा बूटा तुयो, दसवां द्वारा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना वेश। सतगुरु ने हमें यही बोली दी है, यही वेश दिया है कि हमने मीठी बोली बोलनी है और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना है। चाहे हम दुनिया भी काम भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमने इसमें भी ईमानदारी लानी है। किसी के साथ भी हमने धोखा, छल कपट, छल फरेब नहीं करना है। ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। इस तरह हमें सतगुरु शिक्षा दे रहे हैं। इस कहानी से भी हमें यही सीखने को मिला है कि रब नू हाजिर नाजिर तकना इस तो वड्डा धर्म नहीं। परमपिता परमात्मा को हर जगह हाजिर नाजिर देखकर हमने अपना जीवन बिताते चले जाना है। और सत्संग जी, एक और स्टोरी भी है जो दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि यदि हम सतगुरु निरंकार से जुड़े हैं तो हमारी शोभा है, जुड़ने में शोभा है, और अगर इससे अलग हो जाते हैं तो फिर हम कौड़ियों के भाव, हमारा जो मूल्य है वो कौड़ियों के भाव हो जाता है। और जब जब तक हम जुड़े रहते हैं तो हमारी कीमत जो है वो हीरों से भी बढ़कर अनमोल, अनमूल्य कीमत ये सतगुरु डाल देता है। कहते हैं कि एक बार एक गांव में पतंग उड़ाने के त्यौहार का आयोजन हुआ। गांव का एक 8 साल का बच्चा भी अपने पिता के साथ इस त्यौहार में गया। रंगीन पतंगों से भरा आकाश देखकर यह बच्चा बहुत ही खुश हो गया और उसने अपने पिता से उसे एक पतंग और एक धागे का रोल दिलाने के लिए कहा ताकि वह भी पतंग उड़ा सके। उसके पिता ने बच्चे के पिता दुकान में गए और उन्होंने पतंग और धागे का एक रोल खरीद कर अपने बेटे को दे दिया। अब बेटे ने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी पतंग आकाश में ऊंचा उड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद उस बच्चे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, ऐसा लगता है कि धागा पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रहा है। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो पतंग इससे भी और ज़्यादा ऊंची उड़ेगी, क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? तो पिता ने रोलर से धागा काटकर अलग कर दिया। पतंग थोड़ा ऊंचा जाना शुरू हो गई। यह देखकर वह बच्चा बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे पतंग ने नीचे आना शुरू कर दिया और जल्दी ही वह पतंग जमीन पर गिर गई। दीपू को, उस बच्चे को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसने धागे को काटकर पतंग को मुक्त कर दिया था ताकि वह ऊंची उड़ान भर सके, लेकिन इसके बजाय वह ऊंची उड़ान भरने की बजाय वह जमीन पर गिर पड़ी, वह नीचे आ गई। उस बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी,
पिताजी, मैंने सोचा था कि धागे को काटने के बाद पतंग ऊंचा उड़ सकती है, लेकिन यह जमीन पर क्यों गिर गई? पिता ने समझाया, बेटा, जब हम जीवन की ऊंचाई पर रहते हैं, तब अक्सर सोचते हैं कि कुछ चीज़ें जिनके साथ हम बंधे हैं, वे हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। धागा पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक नहीं रहा था, बल्कि जब हवा धीमी हो रही थी तो उस समय धागा पतंग को ऊंचा रहने में मदद कर रहा था, और जब हवा तेज हो गई तब तुमने धागे की मदद से ही पतंग को सही दिशा में ऊपर जाने में मदद की, और जब हमने धागे को काटकर छोड़ दिया तो धागे के माध्यम से पतंग को जो सहारा मिल रहा था वह खत्म हो गया और पतंग टूटकर जमीन पर गिर गई। उस बच्चे को अपने पिता की बात समझ में आ गई, और कहते हैं कि समझ में आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे, सतगुरु के चरणों में नहीं जुड़ेंगे, ये सत्संग रूपी क्लास को अटेंड नहीं करेंगे, तब तक हम भक्ति की ऊंचाई पर भी ऊंचाई पर जा नहीं सकते हैं। भक्ति की ऊंचाइयों को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सच्चे पातशाह सबसे पहले यही समझाते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी सत्संग है। अगर हम अपने भक्ति के रास्ते में ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें सत्संग में आना होगा, और सत्संग में हमें सही समय पर आना है, और जैसे ही सत्संग की समाप्ति हो हमने अपने घर चले जाना है। किसी की कोई निंदा बुराई नहीं करनी है, क्योंकि जो हमने सत्संग से पुण्य प्राप्त किया है वो तो फिर हम वही खत्म कर देते हैं। इसलिए हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही समझा रहे हैं कि हमने सत्संग पर समय से आना है, और सत्संग में समय पर ही जब भोग पड़ जाए और हमने अपने घर को चले जाना है, और सत्संग में बैठे हुए किसी भी महात्मा को हमने डिस्टर्ब नहीं करना है, एक मन एक चित्त होकर हमने सत्संग को सुनना है, और सत्संग में हमने समय पर आना है। पता नहीं कौन से महापुरुषों के कौन से ऐसे वचन हमें सुनने को मिल जाते हैं कि जो हमारे जीवन की काया ही पलट देते हैं। इसलिए हमने इस बात की ओर भी विशेष ध्यान रखना है, अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमने नित प्रति सत्संग में आना है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाएं हम, हमें फुर्सत नहीं यह कहकर मौका मत गवाएं हम, क्योंकि जो यह हमें इतना सुनहरे अवसर सतगुरु ने बख्शा है, यह सतगुरु की कृपा से ही हमें मिल रहा है। इस सुनहरे अवसर को हम यूं ही व्यर्थ ना जाने दें, इस समय का हम लाभ उठाएं, और जो हमें ब्रह्म ज्ञान सतगुरु सच्चे पातशाह ने समझाया है, इस पर चलते हुए हम अपना जीवन भी सुखी बनाएं और औरों को भी हम सुख देकर उनका भी जीवन सुखी बनाएं। और जिस तरह हम सुखी हुए हैं, इसी तरह सभी के लिए अरदास करें कि सच्चे पातशाह सभी परिवार सहित इस दर पर जुट जाएं और सेवा सिमरन सत्संग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। यही राम नाम रूपी धन ही हमारे साथ जाने वाला है, बाकी ये दुनियावी काम दुनियावी चीज़ें सब यहीं पर रह जानी है। साथ में अगर जाना है तो ये राम नाम रूपी धन जाना है, इसलिए जितना भी हो सके हम इसको इकट्ठा करें। हम अपने गृहस्थ धर्म का पालन भी करते हुए इस काम को भी करें, जो हमें सत्संग का समय दिया जाता है हम सत्संग पर सही समय में पहुंचकर सत्संग का आनंद भी उठाएं, और जो हमारे दुनियावी काम हैं उनको भी करते चले जाएं। यही सतगुरु के चरणों में आशीर्वाद मांगते हैं। दातार सच्चे पातशाह, दातार तेरे दर से बस यही दुआ मांगे, घर घर में खुशी बरसे, हम सबका भला मांगे। सच्चे पातशाह सभी का भला करना, जहाँ में कोई भी दुखी ना हो, कोई भी निराश ना हो, सभी सुखी हो, सभी खुश हो। इन्हीं शब्दों से दासी आप जी के चरणों में सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ,
मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। सास संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।